नमस्कार एंड वेलकम। आज का टॉपिक है डिस्कशन का जॉइंट्स। मेरा नाम डॉक्टर अंकित खंडेलवाल है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है एनाटॉमी एक्सप्लेन्ड। आप मुझे एन अकेडमी में फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर हम लाइव क्लासेस लेते हैं इन द कैटेगरी ऑफ नीट पीजी, और कुछ फेसबुक पेजेस ग्रुप्स हैं, यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए इसका टॉपिक देखते हैं जो कि है जॉइंट्स। पहली बात कि जॉइंट्स का पर्पज़ क्या होता है। पहला पर्पज़ है मूवमेंट, बॉडी को मूव करना, हाथ पैर को मूव करना। दूसरा पर्पज़ है ग्रोथ ऑफ बोन। हाँ जी, ग्रोथ ऑफ बोन, बोन की ग्रोथ में भी जॉइंट्स का रोल है, देखेंगे क्यों है। दूसरा बात आती है जॉइंट्स को क्लासिफाइड या क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। क्लासिफिकेशन के इसके बेसिकली दो क्राइटेरिया होते हैं। क्या क्राइटेरिया है? एक है कि जॉइंट्स में मूवमेंट कितना हो रहा है, अमाउंट ऑफ मूवमेंट कितना है। दूसरा तरीका है कि स्ट्रक्चर प्रेजेंट, मतलब कि दो बोन्स या जितनी बोन्स हैं जॉइंट बना रही है, तो जॉइंट बन रहा है, बोन्स के बीच में स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि उसके हिसाब से उसका नाम दिया जाएगा। देखते हैं अमाउंट ऑफ मूवमेंट पर क्या क्लासिफिकेशन है। अमाउंट ऑफ मूवमेंट पर क्लासिफिकेशन जो होती है उसके तीन नाम है, सिनार्थ्रोसिस, एम्फीआर्थ्रोसिस और डाईआर्थ्रोसिस। सिनार्थ्रोसिस मतलब सिन मतलब फ्यूजन, तो यहाँ पर जो है मूवमेंट ना के बराबर है। सिन मतलब क्योंकि यहाँ पर जॉइंट्स फ्यूज कर गए हैं, बोन्स फ्यूज कर गई हैं, सिनार्थ्रोसिस। दूसरा एम्फी मतलब कि थोड़ी बहुत मूवमेंट है, स्लाइटली मोबाइल है। डाईआर्थ्रोसिस मतलब यहाँ पर फ्रीली मोबाइल है। तो ये हो गया अमाउंट ऑफ मूवमेंट पे जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन। सेकेंड था स्ट्रक्चर क्या है जॉइंट्स के बीच में या बोन्स के बीच में। तो पहला है फाइब्रस। अगर बोन्स के बीच में फाइब्रस टिश्यू है तो उस जॉइंट को हम बोलेंगे फाइब्रस जॉइंट। अगर वही दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज है, कार्टिलेज हाईलाइन भी हो सकता है, फाइब्रो भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, उसको बोलेंगे हम कार्टिलेजनस जॉइंट। और अगर बोन्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, बहुत ज़्यादा मोबिलिटी है, उसको बोलेंगे साइनोवियल जॉइंट। तो ये थे हमारे दो क्राइटेरिया जॉइंट्स को क्लासीफाई करने के। आइए आगे बढ़ते हैं फाइब्रस जॉइंट पर। अब इन जो ये तीन जो फेमस क्लासिफिकेशन यही तीनों हैं, इन्हीं के बारे में ज़्यादा बात होती है, इनके बारे में डिटेल देखते हैं। फाइब्रस जॉइंट की अपनी क्लासिफिकेशन है, इसको क्लासिफाई करते हैं इन द बेसिस ऑफ सूचर्स हैं, या फिर बोलते हैं गोम्फोसिस या सिंडेस्मोसिस। क्या क्या है? सूचर्स वी ऑल नो ये स्कल की बोन्स के बीच में होते हैं, ठीक है। गोम्फोसिस फेस में ही होता है, गम सॉकेट, टीथ जो सॉकेट में आ रहा है वहाँ पर। सिंडेस्मोसिस बोन्स के बीच में सिर्फ एक फाइब्रस टिश्यू है, देखेंगे तीनों। पहला आता है सूचर्स, ये आप देख रहे हैं लेटरल व्यू है लेफ्ट साइड से, कई सारी स्कल बोन्स हैं, फ्रंटल है, स्फिनॉइड है, टेम्पोरल है, पैराइटल, ऑक्सिपिटल है, सूचर्स हैं, इनके बोन्स के बीच में फाइब्रस टिश्यू है। कुछ सूचर्स के भी सब एग्जांपल होते हैं, यहाँ पर इसको बोल सकते हैं डेंटिकुलेट सूचर, इनको बोल सकते हैं स्क्वैमस सूचर, पैराइटल टेम्पोरल के बीच में, और दो पैराइटल के बीच में यहाँ बोल सकते हैं इसको सेरेटेड सूचर, कुछ नाम से सूचर। अब सूचर में एक और क्लासिफिकेशन है, इसको बोलते हैं शिनडायलेसिस, ये नया क्लासिफिकेशन है, याद रखिएगा इसको। इसमें क्या है, रिज एंड ग्रूव, एक बोन बना रही है रिज, यहाँ बन रहा है एग्जाम्पल में स्फिनॉइड बोन से, एक बोन बना रही है ग्रूव जो कि बन रहा है हमारी वोमर बोन से। ये देखेंगे आप, अगर स्फिनॉइड का जो रिज है वो वोमर के ग्रूव में फिट हो रहा है, स्फिनॉइड वोमर जॉइंट शिनडायलेसिस का सब का एग्जाम्पल है। तो ये हो गया सूचर्स का एग्जाम्पल, शिनडायलेसिस आ गया। सेकेंड था गोम्फोसिस, जानते हैं हम, टूथ और सॉकेट। तीसरा था सिंडेस्मोसिस, दो बोन्स हैं टिबिया फिबुला, इनके बीच में इंट्रोशियस मेम्ब्रेन दिख रही है, वही है हमारी सिंडेस्मोसिस। इसी तरह से रेडियस अल्ना, जो हमारी फोरआर्म की बोन्स हैं उनमें जो मिडिल रेडियल जॉइंट है जो कि अगेन इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, वो भी सिंडेस्मोसिस है। एक और एग्जांपल सिंडेस्मोसिस का, वो है इन्फीरियर टिबियो फिबुलर जॉइंट, ये भी सिंडेस्मोसिस वेराइटी में आता है। तो ये था हमारा सिंडेस्मोसिस, फाइब्रस जॉइंट की तीन कैटेगरी। अब आते हैं कार्टिलेजनस पे। कार्टिलेजनस की बेसिकली दो कैटेगरीज हैं, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। प्राइमरी का दूसरा नाम है सिन कॉन्ट्रोसिस, सिन मतलब फ्यूज्ड कार्टिलेज। सेकेंडरी का दूसरा नाम है सिम्फाइसिस, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। प्राइमरी में बेसिक डिफरेंस समझिए, प्राइमरी कार्टिलेजनस में दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज होगा, नॉर्मली हाइलाइन कार्टिलेज होगा जो कि बाद में फ्यूज कर जाता है और ये बना लेता है बाद में बोन। सिन कॉन्ट्रोसिस एक टेम्प्रेरी जॉइंट है, वो बाद में फ्यूज होकर बोन बनाती है, इसे बोलते हैं सिनोस्टोसिस, देखते हैं अभी। दूसरा है सेकेंडरी, यहाँ भी बोन्स के बीच में हाइलाइन कार्टिलेज है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर छोटा सा फाइब्रो कार्टिलेज भी होगा जिसके अंदर कुछ स्पेसेस, गैप, जेली मटेरियल सब कुछ हो सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट ज़्यादा होता है। प्राइमरी कार्टिलेज में मूवमेंट नहीं होगा, फाइब्रस जॉइंट जैसे पहले देखा था वहाँ भी कोई मूवमेंट नहीं होता है, प्राइमरी कार्टिलेज में कोई मूवमेंट नहीं है तो जॉइंट बचा ही नहीं है, तो बोन बन गई। सेकेंडरी कार्टिलेज में मूवमेंट बहुत कम होता है, पर होता है, देखते हैं कैसे। ये एग्जांपल है प्राइमरी कार्टिलेज का, कैसे, यहाँ आप देख रहे हैं बोन है, छोटी सी बोन है, और बोन ये अगर इसको बी बोल दें, सी बोल दें, बोन सी तक आके बहुत लंबी हो गई, बोन की ग्रोथ हो रही है, एंडोकोन्ड्रियल ऑसिलेशन हो रहा है, मतलब अगर आप एरोस देखें तो यहाँ पर बोन की लंबाई बढ़ रही है। ये हमारा एपिफाइसिस है, एंड बीच वाला डायफाइसिस बोलते हैं जो कि शेफ्ट बनाता है, इनके बीच में एपिफाइसिल या फिर ग्रोथ प्लेट होती है।
आप सबको पता होना चाहिए, दिस इज एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन, जो हम हिस्टोलॉजी में भी पढ़ते हैं, जो स्लाइड्स होते हैं वहाँ पर कार्टिलेज हुआ है। होता क्या है, यहाँ पर पहले कार्टिलेज होता है, हाईलाइन कार्टिलेज, धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाता है, वो डेड होता है, उसकी जगह बोन आती है। तो पहले कार्टिलेज था, तो ये दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज था, सिनकोंड्रोसिस, फिर ये हटके बोन बन गया। ऐसा बोलते हैं सिनकोंड्रोसिस टू सिनोस्टोसिस, प्राइमरी कार्टिलेजनस। अब यहाँ कोई मूवमेंट तो बचा नहीं, जीरो मूवमेंट, लेकिन जो सेकेंडरी कार्टिलेजनस है वहाँ पर मूवमेंट होता है। अब एक थोरेसिक केज है, यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स देख लें प्राइमरी सेकेंडरी के। सेकेंडरी जिसकी हम बात अभी शुरू कर रहे हैं, एक इंटरवर्टिबल डिस्क फेमस एग्जांपल है। मिड लाइन जॉइंट ज्यादातर सेकेंडरी कार्टिलेजन होते हैं, नाम याद रखिए सेकेंडरी का, सिम्फाइसिस, SYM सिम्फाइसिस। तो मिड लाइन जॉइंट्स, मैन्युअल एक्सटर्नल, ज़िफी एक्सटर्नल, इंटरवर्टिबल डिस्क, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये सब सिम्फाइसिस हैं। यहाँ एक दो एग्जांपल्स प्राइमरी कार्टिलेजनस के और, वो क्या, कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट, दीज आर प्राइमरी कार्टिलेजनस। कॉस्टोकॉन्ड्रल, कॉस्टोकॉन्ड्रल क्या मतलब, कॉस्टो मतलब रिब, कॉन्ड्रल मतलब उसका कार्टिलेज। दूसरा प्राइमरी कार्टिलेजनस का एग्जांपल है सिर्फ फर्स्ट, बाकी नहीं, दीज बाकी सारे स्टर्नोकॉन्ड्रल, ये क्या है, ये स्टर्नम है, ये है कार्टिलेज, स्टर्नोकॉन्ड्रल जॉइंट। तो बाकी सारे स्टर्नोकॉन्ड्रल जॉइंट साइनोवियल है, ये स्लाइटली मोबाइल, लेकिन जो फर्स्ट वाला है, जहां पर की फर्स्ट का कार्टिलेज आके अटैच हो रहा है मैनुब्रियम से, जो फर्स्ट स्टर्नोकॉन्ड्रल है, जो फर्स्ट स्टर्नोकॉन्ड्रल जॉइंट है, दैट इज नॉट साइनोवियल, वो साइनोवियल नहीं है, क्या है वो, प्राइमरी कार्टिलेजनस है। तो एग्जाम्पल ये याद रखिएगा, ठीक। तो कार्टिलेजनस इस तरह से वैरायटी होती है। तो फाइब्रस मूव नहीं करता है, प्राइमरी कार्टिलेजन मूव नहीं करता है, सेकेंडरी कार्टिलेजन स्लाइटली मोबाइल होता है, इसको कहते हैं साइनोवियल। साइनोवियल में तो मूवमेंट ही मूवमेंट है, साइनोवियल में मूवमेंट ही मूवमेंट है, ठीक। तो इसमें क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन, क्या तरीके हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं साइनोवियल जॉइंट। एक है यहाँ पर हेड ह्यूमरस का, यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी आ रही है। साइनोवियल का मतलब साइनोवियल है कि इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी जो कि साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट कर रही है, जो कि बीच में बोन्स के बीच में जगह भर रही है, तो मूवमेंट बहुत है। अब यहाँ पर और फीचर्स क्या हैं साइनोवियल जॉइंट की, वो भी समझ लीजिए शॉर्ट में, बट इम्पॉर्टेंट है। जो बोन के सरफेस जॉइंट बना रहे हैं, दिस लाइट ब्लू कलर जो है यहाँ पर, ये कार्टिलेज होता है, इसको बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। नॉर्मली इट इज हाईलाइन, हाईलाइन कार्टिलेज होता है। बाहर कैप्सूल होती है जॉइंट के बाहर, क्यों, क्योंकि अंदर मेम्ब्रेन को फ्लूइड बनाना है, फ्लूइड लीक ना करे पहली बात, और दूसरी बात जॉइंट इतना मोबाइल होता है कि जॉइंट डिसलोकेट ना हो जाए, तो कैप्सूल उसे प्रोटेक्ट करेगी। बट सर कैप्सूल अगर खुद ही टूट गई, बिल्कुल सही बात, तो कैप्सूल को बाहर से सपोर्ट करने के लिए लिगामेंट्स आते हैं जो कैप्सूल को बांध के रखते हैं। सो जॉइंट्स नॉर्मली डिसलोकेट नहीं होते, हाँ हो सकते हैं अगर फोर्स बहुत ज़्यादा लग गई तो ऑब्वियसली हो सकते हैं, बट नॉर्मली नहीं होते। तो ये साइनोवियल जॉइंट की एक कुछ खासियत होती है, ये मूवमेंट करता है, बिल्कुल मूवमेंट करता है। तो अगर हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन में अगर जाएं, जिसमें कि हमने पढ़ा सिन आर्थ्रोसिस, एम्फी और डाई आर्थ्रोसिस, तो डाई आर्थ्रोसिस में साइनोवियल जॉइंट आता है। सिन आर्थ्रोसिस में मूवमेंट नहीं हो रही है, उसमें फाइब्रो और प्राइमरी कार्टिलेजनस आएगा, और एम्फी आर्थ्रोसिस जहाँ की बहुत कम मूवमेंट है वहाँ पर सेकेंडरी कार्टिलेजनस आएगा। अब देखें साइनोवियल जॉइंट कैसे डिवाइड किया जाता है, इसके भी दो तरीके डिवाइड करने के, एक्सेस ऑफ मूवमेंट कितना है उस पर डिवाइड करेंगे, या फिर जो बोन जॉइंट बना रही है उनका शेप कैसा है, क्योंकि उस शेप से डिसाइड होगा कि भाई मूवमेंट कितनी है। देखते हैं कैसे, एक्सेस पे तीन चार क्लासिफिकेशन हैं। नॉन एक्सियल, कोई एक्सेस मूवमेंट नहीं है, यूनि एक्सेल एक एक्सेस पे, बाई एक्सेल दो एक्सेस पे, मल्टी एक्सेल कई सारे एक्सेस मूवमेंट हो रही है, वहीं पर शेप ऑफ पार्टिकुलर सरफेस के आप देख लीजिए। तो अगर सरफेस प्लेन है, प्लेन पिवट घूम रहे, हिंज कॉन्डाइलॉइड कॉन्डाइल कर, एलिप्सॉइड एलिप्सॉइड शेप, सैडल सैडल शेप, बॉल एंड सॉकेट एक बॉल होगी सॉकेट में फिट कर रहा है, हम सबके एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेन से। यहाँ पर एग्जाम्पल आ रहा है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियो क्लेविकुलर बोनी सर्फेसिस प्लेन होंगे, इंटरकार्पल इंटर टार्सल भी थोड़े बहुत, दे आर ऑल प्लेन साइनोवियल। अगला देखते हैं पिवट, यहाँ पर देखेंगे आप एक्सेस जो सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसका जो डेंस है वो फिट हो रहा है एटलस के पीछे, एटलस के अंदर लेकिन एंटीर आर्च जस्ट पीछे, पीछे लिगामेंट्स कवर हो रहा है, दैट इज अ पिवट। ये रोटेशन है, नो मूवमेंट एटलांटो एक्सियल। और इसमें एग्जाम्पल है रेडियो अल्नर, सुपीरियर रेडियो अल्नर, सुपिनेशन प्रोनेशन, पिवटी हो गया। हिंज में आप देखें तो एल्बो एक अच्छा एग्जाम्पल है, अदर एग्जाम्पल्स हैं आपका एंकल हो गया, नी हो गया, नी एक मॉडिफाइड हिंज है। तो हिंज में मूवमेंट एक ही एक्सेस पे होती है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। पिवट में भी एक ही एक्सेस पे होती है, कौन सा एक्सेस होता है पिवट में, वर्टिकल एक्सेस, और हिंज में ट्रांसवर्स एक्सेस, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। तो ये ह्यूमरस है, ये अल्ना है, ये ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, एल्बो जॉइंट। इसके बाद कॉन्डाइलॉइड जॉइंट देखिए, कॉन्डाइल ये इतना, ये मेटाकार्पल है, प्रॉक्सिमल फैलिंग्स है, मेटाकार्पल का जो हेड है कॉन्डाइल की तरह है, तो ये जॉइंट बनता है मेटाकार्पोफैलिंजियल जॉइंट। थोड़ा जूम करेंगे तो इस तरह की फिगर है, ये किस तरह का जॉइंट है, कॉन्डाइलॉइड वैरायटी। अगला एग्जांपल देखिए एलिप्सॉइड,
लोअर एंड ऑफ रेडियस ये है हमारी कार्पल्स, ये है रिस्ट जॉइंट, रेडियो कार्पल, ये एलिप्सॉइड वैरायटी में आता है, एलिप्सॉइड वैरायटी में शेप। उसके बाद आता है हमारा सैडल। सैडल क्या है? जो हमारा थंब में अंगूठा है, इसका जो मेटा कार्पल है, ये यहाँ कार्पल से मिल रहा है, जॉइंट बना रहा है। कौन सा कार्पल? ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम से बन रहा है मेटा कार्पल ऑफ थंब। ये हमारा कार्पो मेटा कार्पल जॉइंट, कार्पो मेटा कार्पल जॉइंट, कौन सा? फर्स्ट वाला। एग्जाम्पल किसका ये? सैडल वेराइटी का। दिस एन एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल है सैडल वेराइटी का, ठीक। उसके बाद आप देखिए बॉल एंड सॉकेट, सब फेमस पता ही है। एक बॉल है यहाँ पर, हेड ऑफ फीमर है, बॉल शेप में सॉकेट आ रहा है, स्टेबुलम का बॉल एंड सॉकेट। अब देखते हैं सबका मतलब क्या। मतलब ये है कि देखिए, अभी हमने दो एक क्लासिफिकेशन पढ़े, एक एक्सेस पे, एक था शेप ऑफ आर्टिकुलर सरफेस पे। क्या दोनों अलग अलग हैं? हाँ जी अलग हैं, बट इन दोनों में लिंक है। कैसा लिंक? कैसा लिंक है? नॉन एक्सियल प्लेन साइनोवियल, जिसका एग्जांपल हमने पढ़ा था, एक्रोमिकल एपिकुलर, किसी एक्सेस में मूव नहीं करते हैं, प्लेन साइनोवियल सिर्फ ग्लाइड करेंगे। अगला देखिए यूनि एक्सियल, एक एक्सेस मूव करेगा। पिवट हमने पढ़ा एटलांटो एक्सियल, रेडियो अल्नर, कौन सा? सुपीरियर वाला। और हिंज हमने पढ़ा एल्बो एंकल, और थोड़े बहुत नहीं कह सकते हैं, एक एक्सेस मूव करेगा। नी में नॉर्मली फ्लेक्शन एक्सटेंशन ही होगा, एंकल में नॉर्मली फ्लेक्शन एक्सटेंशन ही होता है। जो हम सुपिनेशन प्रोनेशन पढ़ते हैं वो एंकल जॉइंट पे नहीं मूवमेंट है, दैट इज बिलो द टेलस, उसको बोलते हैं सब टेलर जॉइंट पे मूवमेंट हो रहा है, इनवर्जन इवर्जन का। फिर आते हैं बाई बाई एक्सेल, दो एक्सेस पे, कॉन्डाइलॉयड। अब देखिए फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एडक्शन एबडक्शन, ये भी हो रहा है, एलिप्सॉइड, रिस्ट जॉइंट, दो दो एक्सेस मूवमेंट हो रहा है, सैडल। अब सैडल ऐसा जॉइंट है जो कि दो एक्सेस पे तो हो रहे हैं लेकिन दो से ज्यादा भी हो रहे हैं, जैसे सैडल हमारा थंब का मूवमेंट। अब फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, एडक्शन एबडक्शन है, लेकिन साथ में अपोजिशन भी है, रिपोजिशन भी है, तो मूवमेंट सैडल में थोड़े से ज्यादा होते हैं बाई एक्सेल से, इतना याद रखिए, लेकिन फिर भी इसको बाई एक्सेल कैटेगरी में ही डालेंगे हम। एग्जाम्पल क्या पड़ता है इसमें? फर्स्ट कार्पो मेटा कार्पल, इसमें क्या पड़ा था हमने? एलिप्सॉइड में रिस्ट, ये हमने मेटा कार्पो फेलेंजियल। फाइनली मल्टी एक्सेल में आ जाइए, बॉल एंड सॉकेट, शोल्डर, हिप, फेमस जॉइंट है, हर तरह की मूवमेंट हो जाती है। शोल्डर में फ्लेक्शन ये, एक्सटेंशन ऐसे, एबडक्शन बाहर, एडक्शन अंदर, मिडल रोटेशन ये, लेटरल रोटेशन बाहर, सर्कमडक्शन, उसी तरह से हिप में मूवमेंट है। हिप में थोड़ी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड है पर मूवमेंट्स लगभग वही हैं। सो ये थे हमारे साइनोवियल जॉइंट्स की सब कैटेगरी। सो ये छोटा सा अटेम्प्ट था सब कुछ आपको बताने का, छोटे से लेक्चर में। आई होप आप सबको अच्छा लगा, एंजॉय किए। आप फॉलो कर सकते हैं हमें और अन अकेडमी में, और अगर चैनल अच्छा लगा, लेक्चर अच्छे लगे हैं, सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।